और बात पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। अरविंद पांडे ने आम आदमी पार्टी पर उत्तराखंड की जनता को लालच देकर गुमराह करने का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने चुनावी घोषणाएं करनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड दौरे पर कई बड़ी घोषणाएं की, जिस पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पलटवार किया। राजनीतिक प्रत्येक दल को अपने अपने आयोजन करने का अधिकार है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन निश्चित ही इस प्रकार की जो घोफराएँ हैं, यह चुनावी घोफराएँ हैं, राजनीतिक घोफराएँ हैं और यह दिखावे की घोफराएँ हैं। उत्तराखंड की जनता मेहनत कश जनता है, यहाँ हमारे भूतपूर्व सैनिक निवास करते हैं और देवभूमि है। यहाँ कहीं भी राजनीतिक प्रलोभन का जो एजेंडा होता है उसमें यहाँ की महान जनता का विश्वास नहीं है। यहाँ के लोग कर्मयोगी हैं, ये लोग यहाँ के अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और कुछ करके खाने की क्षमता रखते हैं। यह किसी भी राजनीतिक प्रलोभन में यहाँ की जनता नहीं आएगी। जो आम आदमी पार्टी ने जो ये एजेंडा इनका जो है, ये मात्र दिखावा है और सबको पता है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी।